वीडियो वैलेंटाइन स्पेशल सरप्राइज देने वाली हूँ। अब तक उनको गेम के बारे में मैंने नहीं बताया, मैं आपको दो स्लिप देने वाली हूँ भाई। आज मेरा मेरे ख्याल से सारी चीजों में मेरा ही कटेगा। शॉपिंग करने में कौन इरिटेट होता है? बाबू अगर आपने मेरा बेवकूफ बना दिया, मेरे राजा मेरा नंबर नहीं आने दे रहा, खुद ही लगा हुआ है। तो ये नेक्स्ट वाला टास्क है जो विवेक के लिए हमने करा था। विवेक चूज करो जल्दी। जो आप कह रहे थे वही था। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो इस चैनल पे काफी दिन बाद वीडियो आ रही है, तो ये वीडियो वैलेंटाइन स्पेशल है। मेरी ड्रेस देख सकते हो, मैंने रेड ड्रेस पहनी। और जो व्लॉग्स आप राजा चौधरी चैनल पर देखते हो उस पर मैंने बताया भी था कि आज हमारी वैलेंटाइन स्पेशल वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं विवेक को सरप्राइज देने वाली हूँ। सो मैंने काफी सोचा कि यार हमेशा हम एक दूसरे को सरप्राइज देते हैं, एक दूसरे को अच्छा फील करवाने के लिए, तो इस वैलेंटाइन को थोड़ा स्पेशल बनाया जाए। मैं सरप्राइज दूंगी, बट विवेक को वो लगेगा कि वो उनके लिए, बट वो सारे सरप्राइज होंगे मेरे लिए। मतलब मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि अभी राजा है, मैं हूँ, विवेक है, हम विवेक को तो ये फील कराएंगे कि हम उनके लिए सरप्राइज प्लान करें, बट वो सब होगा मेरे और राजा के लिए। तो मेरे माइंड में आइडिया कैसे आया, जैसे मेरे बर्थडे पे हमने एक स्लिप गेम करा था, वैसे ही मैंने एक स्लिप गेम देखा है और हमारे इंस्टा के ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है वो। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें दो स्लिप्स बनाते हैं, तो उसमें वो सामने वाला पार्टनर एक चूज करता है, फिर वो वही चीज करते हैं। सो आज मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। मैं विवेक को बोलूंगी कि मैं उनको देने वाली हूँ बहुत सारे सरप्राइजेस, मैं वो दो कार्ड बनाऊंगी, पहले हम मॉल चलेंगे, देन मैं वो एक एक करके उनको मतलब दो दो ऑप्शन दूंगी। मैंने करना क्या है, मैंने हर स्लिप में कुछ ऐसा लिखना है जिससे मेरा फायदा हो या राजा का फायदा हो, बट दो ऑप्शन देने पड़ेंगे तो वो कोई भी चूज कर सकते हैं, तो वो मेरे हाथ में नहीं होगा वो कौन से चूज करे। तो मैंने उसका भी सलूशन ढूंढ लिया। मैं दोनों स्लिप पे लिखूंगी सेम सेम चीज, मतलब जैसे मुझे चाहिए मेरे लिए शॉपिंग, तो मैं लिखूंगी शॉपिंग फॉर खुशी, दूसरे पे शॉपिंग फॉर खुशी। वो कुछ भी चूज करेंगे, उनका करना वही पड़ेगा जब मैं जाती हूँ, तो मतलब मैंने वैसे कुछ प्लान किया है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, उनको कुछ पता नहीं, मैंने उनको बोला हमें मॉल चलना है, हमें कुछ सामान लेना है, तो वो मतलब ऐसे है कि हाँ कुछ तो ये कर रही है, इसने रेड ड्रेस पहनी है। तो मैंने उनको बोला है कि आप आज कुछ मत करना, आज मेरी तरफ से सरप्राइज है। वो बहुत खुश है, उनको भी नहीं पता कि उनका पॉपअप होने वाला है। एंड में लास्ट में अगर वो इरिटेट हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो शाम तक हमारे साथ रहेंगे और सब कुछ वो आएगा जो मेरे फेवर में होगा, राजा के फेवर में होगा, तो उनको कुछ तो लगेगा, तो इसलिए मैं उनको लास्ट में बता दूंगी एंड उनके रिएक्शन चेक करेंगे क्या आने वाले। सो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुझे अपनी स्लिप्स भी बनानी है, तो निकलते हैं फटाफट। एक चीज और मैंने सोची थी कि विवेक सोचेंगे कि मेरे लिए क्यों आ रहा है जबकि मैं उनको सरप्राइज दे रही हूं। तो मैं उनको स्टार्टिंग में एक चीज क्लियर कर दूंगी कि देखो यार वैलेंटाइन डे है, हम दोनों के लिए है, तुमने कुछ कुछ ज्यादा नहीं कुछ कुछ अपने लिए भी लिखा है, तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होने वाला है। सो गाइस अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, विवेक बाहर है और मैंने स्लिप सारी पर्स में रख ली है। अब तक उनको गेम के बारे में मैंने नहीं बताया, रास्ते में बताऊंगी। अभी उनको नॉर्मल लग रहा है कि हम ब्लॉग बना रहे हैं। सो गाइस जो मैंने वैलेंटाइन सरप्राइज देने के लिए विवेक को जो मेन चीज चाहिए थी वही भूल गई रखे मैंने। अरे ये क्यों हुआ आपके साथ, ये पता लग गया, भगवान साथ ही जवाब देते हैं हर चीज का। सो आज जैसे वैलेंटाइन डे है तो मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। मैं आपको दो स्लिप देने वाली हूँ, ठीक है? जैसे आपने इंस्टा पे देखा होगा एक गेम खेलते हैं, वो गेम हम आज आप पे वैलेंटाइन पे खेलेंगे वैलेंटाइन वाले दिन, तो उसमें मैं आपको दो स्लिप दूंगी। तो मैंने आपके और अपने और राजा सबके लिए लिखा कुछ ना कुछ, अब वो आपकी किस्मत है, आप चूज करोगे वो किसके लिए निकल जाएगा, ठीक है? ओके डन, तो मैं लेके आती हूँ पहली स्लिप। तो हम अंदर से शुरू करें, हम अपना एम लेके चलेंगे ना, इसे करना क्या, तो उसके लिए पहली स्लिप यही देनी पड़ेगी। तो रुको मैं लेके आती हूँ। भाई आज मेरा मेरे ख्याल से सारी चीजों में मेरा ही कटेगा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अच्छा और गाइस मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि बहुत बार ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट क्या दिख जाता है पीछे का, तो मैं ट्राई करूंगा, मैं आंख बंद करके ही पकड़ू सीधा बस। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है? तो ये है गाइस हमारा पहला, तो चूज करो। तो ये है क्या? हाँ क्या है? शॉपिंग फॉर राजा। शिट, ये आपके और राजा में से राजा के लिए निकल गया। मेरे में था ना? नहीं नहीं दिखाने कोई पर्ची नहीं, संभाल के रख सकती हो आप। नहीं नहीं ये ना शुभांशु जो होता रह रहा अपनी जेब में डालता रहा। दिखाओगी भी नहीं आप? लास्ट में दिखाऊंगी, पता लगे मुझे लास्ट में पता लगे कि सारे शॉपिंग फॉर राजा, शॉपिंग फॉर मी, शॉपिंग फॉर राजा। नहीं 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 सबके लिए लिखा, तीनों के लिए। आपकी शॉपिंग में चलते चलो, ये स्टार्ट। यस सो गाइस सबसे पहले राजा की शॉपिंग का नंबर आया, तो हम जा रहे राजा की शॉपिंग। चल वैलेंटाइन डे पे आपसे पहले राजा का नंबर आया, कैसा लग रहा है आपको? पता क्या होता है जब हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं ना, बच्चे हो जाते हैं, तो वैलेंटाइन डे बच्चों का ही होता है। और दूसरी चीज आज ही आप व्लॉग में भी देखोगे कि दीदी और जीजू की एनिवर्सरी है वैलेंटाइन डे पे, तो हम लोगों ने हमेशा वैलेंटाइन डे का भी सेलिब्रेट कराएंगे, छोटे भी जब पहली बार तो गर्लफ्रेंड नहीं बनी कभी। ओहो इधर मुंह करके आंखों से आके मिला के बोलो।
राधा की शॉपिंग कहाँ से करनी है सबसे पहले हमें? चलो हाँ ठीक है। वैसे मेरा तो ये था कि अगर वो भी होता ना फर्स्ट क्राई, वेस्ट साइड भी है, हाँ वेस्ट साइड भी चलेंगे। तो हम जारा आ चुके हैं राजा की शॉपिंग में। राजा आपने एक क्विज जीता है तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? लास्ट टाइम ना हमने जैसे हम पहनते हैं, तो मुझे राजा के लिए ये व्हाइट वाले शूज पसंद आ रहे हैं। देखो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? लेकिन हम मम्मा कहते हैं शूज ना लेना इसके लिए, क्योंकि शूज इसका पैर चेंज होगा, 3-4 पेयर हम शूज लेंगे। बेचारे के लिए ये मैंने राजा के लिए 1.5 साल वाले लिए, वो भी तो गाइस अभी राजा की शॉपिंग हो चुकी है और राजा ने बहुत कम, हाँ उजी की भी ले ली हमने। तो पंगा ये है कि राजा इरिटेट हो रहा है। शॉपिंग करने में कौन इरिटेट होता है? मैं क्यों, आप क्यों होते हो? तो राजा ने शॉपिंग तो करनी नहीं थी इसलिए आपकी जान बच गई, इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं। तो नेक्स्ट वाला मैं दे रही हूँ आपको, इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करी लेकिन टिका के कर दी सही बात। नेक्स्ट वाला दो, ठीक है मैं सबको दिखा दूँ। ये है नेक्स्ट वाला, क्या आया? राइड्स और गेम्स, ठीक है कोई भी दो राइड या गेम्स। हाँ उसमें एक चीज है, इसमें फायदा क्योंकि हम तीनों का वैलेंटाइन है तो राजा भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। आप और राजा करना, ठीक है हम नीचे रहेंगे। चलो चूज कर लिया, बताओ राइड तो पसंद आपको है और आप कह रही गेम हम दोनों तीनों बंद। हाँ तो आपने अपने लिए जो लिखा था वो चूज नहीं करा आपने। बाबू अगर आपने मेरा बेवकूफ बना दिया, मेरे बेवकूफ वाली क्या बात है? अब आप जब चूज ही नहीं कर रहे तो आपने ये चूज करा मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक अपना फायदा लिखा था, एक राजा का फायदा, एक आपका फायदा, मेरा और राजा का एक में फायदा था। सो गाइस अभी हम राइड लेने और गेम्स खेलने आ चुके, कितना बैड लक है ना आपका, आपका निकला ही नहीं, फिर से हमारा आ गया। सो मैं अपनी राइड से पहले राजा का ध्यान रखती हूँ, तो राजा के लिए झूला लेने जा रहे हैं। राजा वो देखो सामने, राजा हॉर्स वाले में लोगे? हॉर्स वाले में राजा मेरा नंबर नहीं आने दे रहा, खुद ही लगा हुआ है। मुझे बड़े वाली राइड लेके लेके मैं नहीं बोलूं। विनर खाना, भूख लगी देख के मुझे और। सो गाइस इतनी ज्यादा भूख लगी है कि आ रहा और जा रहा है, आ रहा और जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये वैलेंटाइन तो हम मना रहे हैं, ये तीन बंदे भी हमारे साथ मना रहे हैं सिंगल्स। ये वैलेंटाइन नहीं तो भूख मिटा रहे थे। तो गाइस हमने खा लिया था और ये हमने वाटर बॉटल ली थी जो कि खत्म होगी, और लाइन आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है, दोबारा लगने की हिम्मत नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं विवेक से अगला टास्क ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि उसमें विवेक और मेरे दोनों मनपसंद की कॉफी है, तो जो विवेक को पसंद आएगी हम वही वाली पी लेंगे। लेकिन अभी पी लेंगे, ले आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा। अगर इस बार मेरी ना निकली मैं भाग दूंगा, भाग दूंगा ऐसे कर। ये है विवेक की नेक्स्ट ऑप्शन, कॉफी डेट एट योर फेवरेट कैफे, मेरे मतलब हाँ हाँ मेरे फेवरेट कैफे, हाँ हाँ मेरे फेवरेट कैफे, हाँ हाँ मतलब मैं जीत गया। हाँ हाँ जीत गया। बताओ कौन सी पिला रहे हो? कॉफी जल्दी मंगवा लेना, क्योंकि ना मेरे को बहुत प्यास लगी है, जल्दी पीने का मन है। ठीक है हाँ। जैसे मंजू ले गया क्या? मैं 20 रुपए वाली ले गया। अरे यार बताओ ना कौन सा कैफे, कॉफी कैफे, स्टारबक्स, क्वेंटर्स और एक दूसरा तो यहाँ नहीं।
क्वेंटर से भी मंगवा सकते हो, आपकी फेवरेट तो वही है, क्वेंटर से मंगा सकते हैं। हाँ मिल्क शेक ले रहे हैं। सो गाइस वैसे मैंने रखा था कि मैं स्टारबक्स में कॉफी पीऊंगी, बट प्रॉब्लम ये होगी मुझे स्टारबक्स की कॉफी पसंद है, मुझे तो डार्क टेस्ट पसंद है, इनकी फेवरेट में से स्टारबक्स है। तो गाइस पहले लोग केवेंटर्स गए थे कॉफी लेने के लिए, फिर इन्हें पता लगा कि सर्वर डाउन है पूरे 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 फूड कोर्ट के, फिर मैकडी के चल रहे थे तो यहीं से कॉफी लेके आ गए आप लोगों के लिए। लो बेटा योर कॉफी। मैंने करी ना करी हो, कितनी दयालु बन रही हो आप। गाइज राजा उठ चुका और इरिटेट हो रहा है, इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम एक और जो हमारा रह गया वो वाला करेंगे, उसके बाद जो दो रह जाएंगे मैं घर जाके विवेक को दिखा दूंगी, वो मेरे साथ कल परसों जब भी उनका टाइम मिलेगा करेंगे जरूर, ठीक है डन। तो लास्ट वाला इम्पोर्टेंट वाला आज कर लेते हैं। सो ये नेक्स्ट वाला टास्क है जो विवेक के लिए हमने करा था, विवेक चूज करो जल्दी। जो आप कह रहे थे वही था। यार करना पड़ेगा जब वैलेंटाइन में सब आपका मान रहे हैं तो ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं खुशी को फुला दे रहा हूँ और ये कह रहा है कि मैं तो मजाक करता था। मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो। थैंक यू। वैसे ये मेरा डेयर था, मेरा दिया हुआ डेयर कंप्लीट हो गया। तो हमारे दो पेंडिंग है वो हम घर जाके करेंगे क्योंकि राजा को ना बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है यहाँ पे। सो गाइस राजा बहुत ज्यादा थक चुका था इसलिए हम लोग घर आ गए, क्योंकि इसकी नींद की वजह से हालत खराब हो रही थी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम इसको घर लेके आए। तो अभी हम लोगों ने क्या डिसाइड करा, हमारे जितने और ऑप्शंस हैं जो मैंने विवेक के लिए रखे हुए वो हम यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, वो हमारा उसका हम सेकंड पार्ट कल करेंगे। वो मैंने सारी स्लिप छुपा ली हमने पास में, विवेक को कल भी मौका दिया जाएगा, बट वो पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने मिलेगा कल हमारे राजा चौधरी वाले YouTube चैनल के ऊपर। सो आप उस पर देख सकते हो एंड मैं विवेक के रिएक्शन भी आपको दिखाने वाली हूँ कि लास्ट में स्लिप्स पड़ेंगे तो उनके क्या रिएक्शन होने वाले। तो गाइस वो वाला पार्ट आने वाला हमारे कल यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन मिस्टर मिसी चौधरी पर नहीं, राजा चौधरी के ऊपर। सो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उस वाले को भी कर लो, इस पे भी आपको वीकली वन वीडियो मिलेगी, कुछ भी हो वीक में दो भी मिल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो भी खत्म ही हुई है, मेन चीज कल आएगी, राजा बहुत शोर कर रहा है। सो बाय गाइस, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।